ये क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? देखो ये अभी इसको पढ़ते हुए यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ वेट पेपर फैब्रिक इंडिया लिमिटेड, ये क्या इधर दिखाई आप ध्यान से देखिए, फरीदाबाद की कोई कंपनी, हरियाणा फरीदाबाद, हरियाणा फरीदाबाद, और कहाँ जा रहा है इसको ध्यान से देखिए कहाँ जा रहा है, दिखाइए यहाँ पर कहाँ जा रहा है, मलेशिया रबर, हाँ ये देखिए मलेशिया जा रहा है, मलेशिया मलेशिया जा रहा है, फरीदाबाद से मलेशिया जा रहा है, आपके सामने देखिए फरीदाबाद से मलेशिया जा रहा है, कौन सी पैकेजिंग हुई है ये, कौन सी पैकेजिंग, वुडन पैकेजिंग हुई है, और देखिए ये पैलेट लगा है, देखिए ध्यान से देखिए पैलेट लगाया हुआ है, इसमें पैलेट में ऐसे वो ये करेंगे, पैलेट में लगाएंगे और वो पैलेट को उठा के इसमें कंटेनर में स्टफिंग कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर में भरेंगे उसको क्या बोला जाएगा, स्टफिंग बोला जाएगा, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे इधर से दिखाइए, इधर से दिखाई, देखो ये फैब्रिक यहाँ सैंपल भी लगाया, ये देखिए यहाँ पे दिखाई कैमरे से दिखाइए, सैंपल भी यहाँ पे लगाया कैसा है ये अंदर फैब्रिक, ये फैब्रिक दिखाइए, ये सैंपल भी लगाया कैसा ये फैब्रिक है अंदर, देखिए ऊपर भी सैंपल लगाया है, और कितनी हार्ड की देखिए कितना स्टफ ये पैकेजिंग करी है, पैकेजिंग आपके सामने मजबूत, क्या इतनी पैकेजिंग में कोई सामान डैमेज होगा क्या, नहीं डैमेज होगा, मजबूत पैकेजिंग करी है आपके सामने, मजबूत पैकेजिंग करी है, और यहाँ पे पैलेट भी लगाया, देखो कितना मजबूत लकड़ी का पैलेट लगाया, तो इसमें डैमेज होने की संभावना है, नो डैमेज होने की संभावना नहीं है, तो आपने जैसा क्लास में देखा ऐसा ही आप यहाँ भी देख रहे हैं, तो वुडन पैकेजिंग होगी, और कहाँ जा रहा है कौन खरीद रहा है सब यहाँ पे डिटेल इसमें रहता है, और ये इसमें वुडन की अच्छी पैकेजिंग हुई है, मजबूत पैकेजिंग हुई है, जिससे सामान खराब ना हो, पैकेजिंग क्यों करते हैं, सामान खराब ना हो, और इसका स्टफिंग हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी ये लूज ट्रक में आया है, इसका स्टफिंग कहाँ होगा, कस्टम अंदर होगा, है ना, कंटेनर के अंदर इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे, फोर क्लिप से भरेंगे, ऐसे यहाँ पे लगाएगा, फोर क्लिप से उठा के कंटेनर में रख देगा, और फिर वहाँ पे सील भी लगेगी, कौन सी सील, ई सील भी लगेगी, ई सील भी लगेगी, ई सील को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सील, इलेक्ट्रॉनिक सील वहाँ लगती है कस्टम में, और जब इनको सेल्फ सीलिंग की परमिशन मिल जाती है तो सील कहाँ लगा सकते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री में सील लगा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से एक्सपोर्ट करो, ये लाइव आपके सामने एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर सकता है, हर कोई एक्सपोर्ट कर सकता है, हर कोई एक्सपोर्ट यहाँ से हिंदुस्तान से कर सकता है, अब हिंदुस्तान वो नहीं है 50 साल 80 साल पुराने वाला हिंदुस्तान, अभी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में डेवलप हो रहा है, हर कोई इंसान एक्सपोर्ट कर सकता है, इंडिया से कर सकता है, हर किसी कंट्री में कर सकता है, ये आपके सामने देखिए मलेशिया जा रहा है फरीदाबाद से, आपके सामने है सभी ट्रक, देखिए यहाँ पे ICDM दिल्ली तुगलाबाद में है, देखिए ताऊ जी वहाँ फोन पे बात कर रहे हैं, ये भाई साहब है, देखिए सब लोग सामान अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये गाड़ी देखिए कितनी नंबर ऑफ गाड़ी लगी हुई है आपके सामने, दिखाइए आपके सामने एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ इंडियन पोस्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ बाहर की कंपनी, कुछ इंडियन कंपनी, वो देखिए 40 फीट का कंटेनर ग्रीन कलर का, और देखिए इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, I came from Sitapur, it's in Uttar Pradesh. Actually, हमारा बहुत समय से COVID-19 में I've did a good business, but COVID-19 की वजह से I lost all the money and something. तो YouTube पे जा जा के कुछ देखते रहते थे कि कुछ बेटर मिले जिससे कि हम अपने रिकवर कर पाएँ या हम अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे ले पाएँ. तो देखते देखते मिस्टर राजीव सैनी जी का हमारे पास कुछ यूट्यूब्स देखे हमने, मुझे लगा कि उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया है एक्सपोर्ट के बारे में, मुझे लगा कि अगर एक्सपोर्ट में जाते हैं तो आई कैन रिकवर माय मनी इटसेल्फ एज वेल एज आई हेल्प टू द इंडिया एज पर कि हम वहाँ से कुछ बाहर से अपनी मुद्राएँ लाएँ डॉलर्स लाएँ और यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करें. तो मुझे उनका मोटिवेशन वीडियोस अच्छे लगे, फिर मैंने कहा कि उनसे टाइम लिया, टाइम लेने के बाद मैं ट्रेनिंग पे आया और 3 दिन हमने इसमें गुजारे. आई फील रियली वेरी एनर्जाइज, मुझे लग रहा है कि जितना हम कठिन सोचते थे एक्सपोर्ट उतना कठिन रहा नहीं, क्योंकि सैनी साहब के बताने का ढंग, मोटिवेशन और उनका जो पूरा सिस्टम सेटअप है वो इतना ज़्यादा फेमिलियर है कि लगता है कि सारा एक्सपोर्ट जो है वो इतना आसान हो गया है कि बस आज ही निकले और आज से स्टार्ट कर दें. सो थैंक यू फॉर राजीव सोनी. सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस. थैंक यू.